नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाफ की आवाज में। मैं हूं अभिलाषा दुबे और आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। द्रौपदी मुर्मू के भारत के 15वें राष्ट्रपति बनने पर जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी दिखी, तो वहीं सुंदरनगर क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य कर और आतिशबाजी जलाकर और राष्ट्रीय ध्वज निकालकर द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। वहीं इस संबंध में भाजपा नेता सह जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनने पर हम लोग ने आज बधाई दी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर बैठाने का काम किया है। हम तहे दिल से उन्हें धन्यवाद देते हैं। आज पूरे देश में हमारे जनजाति समुदाय की बहुत ही गर्व की बात है कि पहली बार हमारे आदिवासी में संथाल समुदाय की महिला को देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में हम देखना चाह रहे हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आज पूरा समाज में खुशी है, खुशी मना रहे हैं और उम्मीद करते हैं ये राष्ट्रपति का कार्यकाल जो हमारे आदिवासी महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को जीत प्राप्त हुई है, उनका कार्यकाल बहुत ही शुभ रहे। धन्यवाद। कहना चाहेंगे आज द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी महिला 15वें राष्ट्रपति बनी है और इसके लिए पूरे देश के आदिवासी हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहे हैं। और आज हम जब से पूर्वी सिंहभूम में हमारे सारे आदिवासी भाई बहनों के साथ इस जीत की खुशी में हम लोग जश्न मना रहे हैं और लड्डू वितरण कर रहे हैं। मैम, एक आदिवासी महिला और एक जमीन से जुड़ी हुई महिला, जो बोलते हैं ना राज्य पूरा देश का अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति है, मोदी जी ने उस महिला को आज राष्ट्रपति, एनडीए सरकार ने राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनाया है। और सारे राष्ट्र के लोगों ने, विधायक सांसद ने जो उम्मीद और भरोसा देके आज उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वोटिंग दिया और आज द्रौपदी मुर्मू जीत गई हैं। और इस जीत के हर्ष उल्लास के साथ एनडीए सरकार को, मोदी जी को और द्रौपदी मुर्मू को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए समाचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।